श्रीमद् भगवद् गीता जीवन का आधार गीता सार में ये त्रिदिवसीय प्रवचन माला में हम सभी श्रीमद् भगवद् गीता की जो वास्तविकता है उसको अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद् गीता को कहा गया सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि के सभी शास्त्रों में यह सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। क्यों? क्योंकि दुनिया में एकमात्र धर्म ग्रंथ कहो कर्म ग्रंथ कहो जो मनुष्य को जीवन जीने की कला तो सिखाता ही है, परंतु इसी में भगवान वाच फर्स्ट पर्सन में आता है। दुनिया में बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कहीं ना कहीं वो कोई महान आत्मा की वाणी है, दिव्य आत्मा की वाणी है, परंतु परमात्मा के महावाक्य उसमें नहीं है। और इसीलिए गीता को माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ऐसे भगवत गीता भी हम सभी के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का संदेश मानव जाति के लिए क्या है, ये भगवान की वाणी के द्वारा ही स्पष्ट किया गया है। और इसीलिए दुनिया के हर धर्म के लोगों ने गीता को समझना चाहा कि आखिर भी भगवान का संदेश हमारे लिए क्या है। इसलिए आज जितनी भाषाओं में उसका अनुवाद मिलता है उतना और किसी भी पुस्तक को दुनिया में नहीं मिला है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो श्रीमद् भगवद् गीता हम सभी को वो अमृत पान कराती है जिससे मनुष्य अपने जीवन के अंदर अमरत्व को प्राप्त करता है। अमरत्व का मतलब ये नहीं कि वह इस संसार के अंदर शरीर नहीं छोड़ेगा, लेकिन अमरत्व का मतलब है कि जीवन के अंदर अपनी एक अलग पहचान छोड़ करके जाता है, अपनी वास्तविकता लोगों के सामने रखते हुए जाता है, उदाहरण मूरत बन जाता है, अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद अमरत्व को प्राप्त हो गए क्योंकि उन्होंने जीवन में श्रीमद् भगवद् गीता का आत्मसात किया था। श्रीमद् भगवद् गीता से आत्मा में वो शक्ति आ जाती है जिससे उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये महावाक्य तभी उच्चारण किए गए थे जब अर्जुन एकदम निरुत्साहित हो गया था, या कहे कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शक्ति क्षमता होने के बावजूद भी उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। लेकिन ऐसे युद्ध जैसी स्थिति में भी विजयी कैसे होना है ये भगवद गीता सिखाती है।
जो आज हर इंसान को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हर इंसान को अगर देखा जाए तो हर इंसान जीवन में संघर्ष कर रहा है, हर इंसान युद्ध कर रहा है, कोई अपने आप से युद्ध कर रहा है, कोई दूसरों से युद्ध कर रहा है, कोई हालातों से युद्ध कर रहा है, कोई परिस्थितियों से कर रहा है, अनेक चुनौतियों से कर रहा है। कौन युद्ध नहीं कर रहा है? और शक्ति क्षमता होने के बावजूद भी जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि जब व्यक्ति निरुत्साहित हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार बन जाता है, और शायद उस वक्त वो भगवान से मनी मन प्रार्थना में यही कहता है कि हे प्रभु, कब तक ये युद्ध करते रहेंगे? हारने जैसी स्थिति अनुभव करने लगता है। ऐसे में भगवत गीता उसको मोटिवेट करती, सशक्त करती है, और सशक्त करते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा देती है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहीं पर भी भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि हे अर्जुन, तुम इतनी माला फेर लो, इतनी पूजा कर लो, इतने अनुष्ठान कर लो, इतने यज्ञ कर लो, नहीं। लेकिन ऐसी सुंदर आध्यात्मिक बातें बताई जिससे व्यक्ति जीवन के अंदर सहजता से हर बात के मर्म को समझते हुए हर परिस्थिति में विजयी होने का बल प्राप्त कर सके। भावार्थ यही कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है जो अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णवित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। परंतु ये भगवत गीता हम सब तक कैसे पहुंची, उसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने हम सब तक ये अमूल्य ज्ञान की निधि, कहो ज्ञान का भंडार पहुंचाने के लिए। जिस तरह कहा जाता है कि आज से 500 साल पूर्व फ्रांस में नॉस्ट्राडेमस हो गए, जिन्होंने विश्व का भविष्य एक गोले में देखा और उसका वर्णन किया, लिखा, परंतु इतनी अलंकारिक भाषा में उसको लिखा कि आज तक जब लोग उसको पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते कि क्या कहा गया। घटनाएं हो जाने के बाद ये जरूर कहेंगे कि हाँ, नॉस्ट्राडेमस ने ये बात ऐसे लिखी थी, पहले नहीं बता सकते। परंतु हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था, और उस समय के लिए कौन सी विधि अपनानी है,
या जीवन जीने की कला क्या होती है वो पहले से ही बता दी है। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी जब समाधि में बैठते थे तो कभी कभी वो समाधि में एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे, एक साक्षात्कार की अवस्था में चले जाते थे और उन्हें साक्षात्कार होने लगते थे। ऐसे ही एक बार जब समाधि में बैठे और उस साक्षात्कार की अवस्था में चले गए तो उन्होंने आज का समय देखा कि मनुष्य जीवन कैसा होगा, कितनी प्रकार की परिस्थितियां, कितनी प्रकार की परीक्षाएं उसके सामने आएगी। नॉस्ट्रोडेमस ने जब विश्व का भविष्य लिखा उसका समाधान नहीं लिखा, परंतु महर्षि वेद व्यास ने जब वर्तमान समय को आज से 5000 साल पूर्व देखा तो साथ में भगवत गीता के रूप में समाधान भी दिए। और इस तरह से जब वो समाधि अवस्था से नीचे आए और उन्होंने सोचा कि मैं इतना अमूल्य ज्ञान का लिपिबद्ध कर दूं, उसको लिख दूं ताकि आने वाले समय में मनुष्य को ये काम आएगा, परंतु जब लिखने बैठे तो कहा जाता है कि कुछ बातें लुप्त हो गई, भूल गए। तब वो भगवान से निवेदन करते हैं कि आप इतना अमूल्य ज्ञान मुझे दे रहे हो, परंतु अगर मैं उसको लिपिबद्ध ही नहीं कर पाया तो मनुष्य तक कैसे पहुंचेगा, तो मुझे कोई लिखने वाला मिल जाए। तब कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें कहा कि आप गणेश जी का आवाहन कीजिए, और इसलिए वो गणेश जी का आवाहन करते हुए महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बन, यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा, जो कि मेरे ही मन की कल्पना का विस्तार है। बहुत स्पष्ट शब्द में उन्होंने ये बात कह दी कि ज्ञान मुझे जो प्राप्त हुआ है समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, परंतु जो मैं प्रकट कर रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं, ये मेरे मन की कल्पना का विस्तार है। भावार्थ यही कि आज मान लो कि कुछ छोटे बच्चे हो और उस बच्चे को मुझे ज्ञान की बातें सिखानी हो, ज्ञान इतना ही है कि बेटा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, ज्ञान इतना ही है। परंतु अगर रोज सुबह उठ करके मैं उसका उपदेश दूं बच्चों को कि बेटा सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो वो बच्चे उसके मर्म को समझेंगे नहीं, न उसकी वैल्यू को समझेंगे, न सच बोलने की प्रेरणा उनके अंदर आएगी। परंतु मैं अपने मन की कल्पना से उन बच्चों को अगर कहूं कि देखो मैं कहानी सुनाती हूं, कहानी मेरे मन की कल्पना जिसमें मैं एक सच का पात्र लेती हूं, एक झूठ का पात्र लेती हूं,
और फिर बताती हूँ कि सच बोलने वाले के सामने कितनी परीक्षाएं आती है, परंतु उसमें ताकत होती है, शक्ति होती है, हर परिस्थिति को, हर परीक्षा को पार कर देता है और अंत में उसकी विजयी होती है। झूठ बोलना शायद आसान है, उनके सामने कोई परीक्षाएं नहीं आएगी, सहज मार्ग होगा, लेकिन अंत में जब वो प्रत्यक्ष होता है तो उसकी सबसे बड़ी हार होती है। ये बात एक कहानी के माध्यम से उन बच्चों को मैं समझाती हूं, वो कहानी उनके मन के अंदर छप जाती है। और जीवन में जब कभी अवसर आता है या ऐसा एक समय आता है जहां उनको चुनना होता है सच बोला जाए या झूठ बोला जाए, और उन्हें ये कहानी स्मरण हो जाए और उस कहानी से प्रेरित होकर के वो सोचते हैं चलो सच बोल करके देखते हैं, विजयी तो होगी, भले कितनी भी परीक्षाएं आए उनको पार कर जाएंगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उन परीक्षाओं को पार करने के लिए भी, और इस तरह से सत्य का मार्ग अपनाते हैं और अपनाते हुए कई परिस्थितियां, कई परीक्षाएं आती है, उसको पार करते हुए, हर चुनौती को पार करते हुए अंत में जब विजयी होती है तो वो कितना सुखद अनुभव कराती है, सुकून का अनुभव कराती है। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने भी गणेश जी से यही बात कही कि ये सारा ग्रंथ मेरे मन की कल्पना का विस्तार है, लेकिन उसमें जो ज्ञान की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुई है, भगवान से प्राप्त हुई है। और इसलिए हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब गणेश जी भगवत गीता लिखने के लिए बैठते हैं तो प्रथम श्लोक में ही उनके मन में सवाल उठते हैं। गणेश जी माना के जो बुद्धि का देवता, लॉर्ड ऑफ विजडम उसको कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि गणेश जी जब आते हैं तो एक शर्त रखते हैं महर्षि वेद व्यास जी के सामने, और उनकी शर्त यह होती है कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊं। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी के पास और कोई अल्टरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने इस शर्त को मान्य कर दिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी, और उनकी शर्त यह थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को आप समझ कर लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी उस शब्द को मान्य कर दिया, और कहा जाता जब प्रथम श्लोक उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि पांडव पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका विस्तार से मुझे तुम विवरण करके सुनाओ। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि जब एक ही परिवार है, कुरु परिवार है, तो धृतराष्ट्र ने यह क्यों कहा कि पांडव पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, भाई हमारे बच्चों के बीच में क्या हो रहा है बताओ, या कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है,
ये बताओ। ये बात को समझने के लिए गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा, क्योंकि आज से 500,000 साल पहले भी भारत के अंदर ये कल्चर था, ये सभ्यता, ये संस्कृति थी कि गांव पूरा एक परिवार की रीति से रहता था। मेरे तेरे का भाव नहीं था, सब कुछ अपना है। किसी को भी कोई भी बात की मदद चाहिए होती थी, सहर्ष मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे तेरे का भाव नहीं था से 500,000 साल पहले भी। तो 5,000 साल पहले तो ऐसा भाव हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा कि आज से 5,000 साल पूर्व कलयुग को देखा था कि मानसिक मनोवृत्ति मनुष्य की कैसी बन जाएगी कि एक ही परिवार में रहते हुए मेरे और तेरे का भाव आ जाएगा। तो गणेश जी उस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर धृतराष्ट्र ये क्यों कहता है कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि ये मेंटालिटी कलयुग की है। आज घर में दो बच्चे भी होंगे और माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि बेटा ये तेरा चचेरा भाई है, तुम अपना खिलौना उसके साथ शेयर करो, साथ में मिलकर खेलो। बच्चा भी क्या कहेगा, मेरा है, मैं किसी के साथ नहीं खेलूंगा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। अरे सगे भाई के साथ भी वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये मेरा है और मेरा समझते हुए उसको इकट्ठा करता है, देने की भावना, शेयर करने की भावना उसके अंदर नहीं। ये कलयुग की मेंटालिटी जो आज से 5,000 साल पूर्व महर्षि वेदव्यास ने उसको समाधि अवस्था में देखी थी कि कलयुग जब आएगा तो किस प्रकार की मानसिकता होगी। और इसीलिए ये प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा समझने के लिए ये कैसी मानसिकता है। आप सब सोचो, कहा जाता है कि ऐसे कई जगह पर गणेश जी को बार बार रुकना पड़ता था, तो वो अपनी शर्त भूल गया। आज क्या है, इंसान अगर गीता पढ़े तो कितनी समझ पाएगा। इसीलिए आज दुनिया के अंदर लोग गीता के ऊपर टिप्पणियां भी लिखते हैं, जब समझाई नहीं है तो क्या कहेंगे, टिप्पणियां लिखेंगे। कई लोग गीता को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, कहते समझ में नहीं आता और इसलिए रख देते। कई लोग अपने घरों में गीता को लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं, रोज उसकी पूजा करेंगे, साल में एक दिन गीता जयंती पर कपड़ा बदली करेंगे और पूजा के लिए रखी हुई है। कहते पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि वर्तमान समय की मानसिकता को उसमें बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया। और इसीलिए जब पढ़ते हैं तो सोचते ये तो स्वाभाविक है भाई, अगर धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं तो स्वाभाविक है। ये नहीं समझ सकते कि इसके पीछे की मानसिकता क्या है। इसलिए उसमें से जो लेना चाहिए उसको हम ले नहीं पाते हैं, अपने आचरण में उसको ढाल नहीं पाते हैं, जो समाधान दिए हैं उस समाधान को समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात कहा जाता है
है कि महर्षि वेद व्यास जी बहुत इंटेलिजेंट थे, कि एक ही कथा में, एक ही महाभारत की कथा में उसने वर्तमान समय के पांचों स्तर के परिस्थितियों को और समाधानों को दिया हुआ है। कैसे? तो हर व्यक्ति की मनोस्थिति का समाधान भगवत गीता है। हर व्यक्ति की मनोस्थिति क्या है वो महाभारत है, और समाधान भगवत गीता जो अर्जुन के रूप में दर्शाया या पांडवों के रूप में दर्शाया। इतना ही नहीं, लेकिन पारिवारिक स्थिति का समाधान, क्योंकि पांडव और कौरव एक ही परिवार के लोग थे, तो पारिवारिक स्थिति आज क्या चल रही उसका समाधान भी भगवत गीता में दिया हुआ। इतना ही नहीं, लेकिन सामाजिक स्थिति, समाज के अंदर कैसी मानसिकता थी और उसका समाधान भी भगवत गीता में दिया हुआ। राष्ट्रीय स्थिति क्या थी उसका समाधान भी भगवत गीता में दिया हुआ। और वैश्विक स्थिति, विश्व में आज व्यक्ति की मानसिकता क्या है उसका समाधान भी भगवत गीता में दिया हुआ। तो व्यक्ति से लेकर विश्व तक, जिसको मैनेजमेंट लैंग्वेज में अगर कहे फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल का समाधान भगवत गीता में दिया हुआ। हर लेवल की जो परिस्थिति है वो महाभारत है और समाधान भगवत गीता है। जैसे कि आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चुनौतीपूर्ण दौर से उसको गुजरना पड़ता है कि जब उसको जीवन असार महसूस होने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, उसका विश्वास टूटने लगता है, मूल्य बिखर जाते हैं, धैर्य समाप्त हो जाता है, दया की हदें समाप्त हो जाती है, टूट जाती है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति उसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट भी कर देते हैं। तो आज हरेक व्यक्ति का जीवन अनेक प्रकार की परिस्थिति, समस्याओं के भ्रमण में, बीच में फंसा हुआ है, जहां से निकलने का उसको रास्ता नहीं नजर आता है और वो निकलना चाहता है, उसका समाधान भगवत गीता। क्योंकि जैसे कहा कि हर व्यक्ति आज संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, चाहना यही है कि इस युद्ध में मैं विजयी हो जाऊं, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा है। इस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तब कहा ये भगवत गीता दूसरे समय की नहीं थी, सतयुग की या त्रेता की या द्वापर की नहीं थी, ये वर्तमान समय की। लेकिन उसको अगर हम पर्सनलाइज कर सके तो नहीं, तो नहीं। इसी तरह अगर कहा जाए कि पारिवारिक स्थिति, आज कुटुंब परिवार के अंदर माता पिता पुत्र मोह में अंधे हैं, ज्ञान चक्षु ही बंद है, और पांडवों ने खाली 5 गांव मांगा कौरवों से कि भाई हमें 5 गांव दे दो, हम 5 भाई ये मिल करके रहेंगे उसमें, आपके साथ हमको और कुछ नहीं चाहिए, इतनी बड़ी राजाई हमको नहीं चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या कहा,
पांच गांव तो छोड़ो, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं। आज कुटुंब परिवारों में झगड़े किस बात पर होते? भाई भाई के बीच में अगर झगड़े होते हैं तो किस बात को लेकर होते हैं? जमीन और जायदाद, उसी को लेकर के तो झगड़े हैं। कोर्ट में जितने भी झगड़े हैं उनको अगर रिफर किया जाए तो किस बात को लेकर होता है? भाई भाई के बीच में जमीन और जायदाद। एक भाई कहीं शहर में या बाहर विदेश में रहता हो और अगर उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो गांव में वो अपने चचेरे भाइयों के पास आता है और कहता है, भाई हम प्रॉपर्टी का हिस्सा कर दें, मेरे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है मुझे मिल जाए, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं उसको बेचना चाहता हूं। तो गांव वाला भाई क्या कहेगा, क्या कहेगा? अरे पुरखों की जमीनें बेची जाती है क्या? कोई ये बेचने के लिए नहीं होती है, हम बेचने भी नहीं देंगे तेरे को, जो होता है कर लो कहेंगे। उनको मालूम है वो केस तो करेगा नहीं, सालों साल केस चलता रहेगा, ना उसको पैसा देता है ना उसको जमीन जायदाद देता है, एक इंच भी जमीन नहीं देता है। पांडवों की तरह ही पांच गांव मांगे। भावार्थ ये कि वो ना उसे सुख से रहने देना चाहते हैं और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए लेकिन घृणा द्वेष क्रोध अन्याय प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। वर्तमान समय की ये मानसिकता है कि नहीं है, उसका समाधान भी भगवत गीता है। उसके बाद अगर देखें तो सामाजिक स्थिति, समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हैं? महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज के समाज में एग्जाम्पल तो एक का ही दिया जाता है, लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी होंगे? हर घर में एक शकुनी होगा या नहीं होगा? हैं? शकुनी क्या करता था, किसमें माहिर था? कहा जाता है कि शकुनी जुए के खेल में माहिर था, और इतना माहिर था कि वो पासे जो है वो उसके मन की बात को सुनते थे, समझते थे। शकुनी इतना होशियार था, पहले तो सामने वाले को जिताएगा ताकि वो खेल में पूरी तरह से उतर आए, और उसके बाद सब कुछ छीन लेता। तो आज शकुनी कौन है? आज का शकुनी कौन है? अगर मालूम ही नहीं होगा तो उसे बच के कैसे रहेंगे? आज का शकुनी है ये मोबाइल, मोबाइल है। मोबाइल के अंदर हर कॉल के बाद रमी खेलो आता है, ऐड आती है। रमी क्या है? जुआ है, और वो भी आरंभ में तो दूसरों को जिताता है, उसके बाद सब कुछ खत्म कर देता है। और शकुनी का टारगेट धृतराष्ट्र नहीं था, शकुनी का टारगेट गांधारी नहीं थी, शकुनी का टारगेट यूथ था, दुर्योधन दुशासन ये सौ कौरव थे। उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। तो आज
के मोबाइल में बुजुर्ग लोग उन बातों में नहीं आते हैं, रमी खेलो इसके टेम्पटेशन में नहीं आते, उस प्रलोभन में नहीं आते हैं। आता कौन है? यूथ। और वो इतना प्रलोभन में आ जाता है, चलो एक बार खेल के तो देखे, अनेक प्रकार की गेम्स, पैसे वाली, ये मोबाइल आज प्रलोभन में ले आता है यूथ को। और यूथ अपनी पढ़ाई, अपना कारोबार आदि छोड़कर सारा दिन किसमें लगा रहता है? किसमें लगा रहता है? और इसीलिए जब प्रलोभन में आ जाता है तो उसको लगता है चलो खेले तो सही, एक बार खेलते हैं, और अगर जीत गया तो प्रलोभन में फंसा। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर सारे बैंक अकाउंट हैक हो जाते, सारा कुछ खत्म हो जाता है उसका। अभी कुछ समय पहले एक बहन, एक माता पिता मिले थे, बहुत दुखी थे, वो आए थे हमारे पास में। हमने पूछा क्या हुआ, तो किसी ने कहा कि उनके लड़के ने सुसाइड कर दिया। क्या हो गया? पूछा तो कहा कि मिडिल क्लास फैमिली थी, तो माता पिता दोनों ने मिल करके बेटी की शादी के लिए करीबन 40 लाख इकट्ठे किए थे, कि उसकी शादी होगी, खर्चा होगा, ये होगा, सारा इकट्ठा करते करते बैंक में जमा किया था। अब ऑनलाइन जो बैंकिंग सिस्टम हो गई है तो इतना समझ में नहीं आता है, लड़का बड़ा था तो उसको कहा कि भाई बताओ कैसे ये बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, जमा करना ये वो। तो बच्चे को सारा पासवर्ड आदि मालूम था बैंक का। एक दिन बच्चे को अंदर में अच्छी भावना से ही कि पिता इतनी मेहनत करते हैं, 40 लाख इकट्ठे किए हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं लेकिन चलो मदद तो कर ही सकता हूं, तो ये रमी खेलों में प्रलोभन में आ गया। तो शुरू में तो जीता तो उसको लगा कि चलो मैं भी जमा करूं बहन की शादी के लिए, और पिताजी को भी आश्चर्य होगा इतना कैसे बढ़ गया, सोच करके वो खेलना शुरू किया। अब जब पैसा मांगने लगे तो नेचुरल है, उसको पासवर्ड तो मालूम था, तो उसने पासवर्ड डाल दिया और खेलता गया खेलता गया। उसको होश नहीं रहा कि बैंक का अकाउंट खाली हो रहा है। जब खाली हो गया और कहा तुम्हारा अकाउंट खाली हो गया, अभी और पैसा चाहिए, तब उसको होश आया, 40 लाख खत्म हो गए। वो बच्चा क्या करे, किसको कहे, पिताजी की मेहनत की कमाई थी और मैंने उड़ा दिया, पिताजी को क्या जवाब दूंगा। इसलिए रात को उसने चिट्ठी लिखी, पिता से माफी मांगी, माता पिता से, और अपने जीवन का अंत कर दिया। एक ही लड़का था और उसको भी खो दिया। वो माता पिता इतने दुखी हो रहे थे कि हमारा तो पैसा भी गया, तो बच्चा भी गया, सब कुछ गया। ये आज का हाल है कि शकुनी किस तरह से, इसलिए कहा जाता कि शकुनी ने सुयोधन, दुर्योधन का नाम सुयोधन, सुयोधन को दुर्योधन कैसे बनाया, दुर्योधन माना जो धन का दुरुपयोग करता। कौन सा धन? आज मोबाइल कौन सा धन का दुरुपयोग कराता है? खाली स्थूल धन की बात नहीं है, चारित्रिक धन, उसके अंदर ऐसी ऐसी वीडियो होती है जिसके कारण से व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है, उसका बौद्धिक बल, बौद्धिक धन, तो बौद्धिक धन समाप्त होता है, चारित्रिक धन समाप्त होता है। स्थूल धन तो होता ही है,
सब कुछ बर्बाद करता है। इसलिए कहा, ऐसे शकुनी से भी सावधान, क्योंकि आज का समाज भी अंधा है जो विकर्म और कुकर्मों के प्रति जागृत नहीं है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, उसको परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं है। ये समाज की स्थिति है जो महाभारत में भी महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना स्पष्ट वर्तमान समय से कनेक्टेड है। इसलिए कहा कि आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा कि समाज की स्थिति कैसी होगी और फिर राष्ट्रीय स्थिति। देखो, नाम का चयन भी कितना सुंदर तरीके से किया है धृतराष्ट्र, कि जब राष्ट्र को धृत भावना हड़प कर बैठती है तो उस राष्ट्र की स्थिति क्या होती है, और उसमें भी पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक। आज कोई भी राष्ट्र को ले लो दुनिया के, चाहे चाइना ले लो, कोरिया ले लो, अमेरिका ले लो, हर कोई क्या चाहता है, रशिया ले लो, यूक्रेन ले लो, कोई भी देश ले लो, भारत की बात छोड़ो, लेकिन दुनिया का कोई भी राष्ट्र ले लो, उस गद्दी पर कौन बैठना चाहता है, कौन बैठा है, एक अंधा इंसान। इन आंखों से अंधा नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं में अंधा, अहंकार में अंधा, नकारात्मकता में अंधा, इतनी नेगेटिव बुद्धि वाला, स्वार्थ में अंधा, ऐसा जब इंसान उस राष्ट्र के गद्दी पर बैठ जाता तो उस राष्ट्र का हालत क्या होता है। भारत का तो परमात्मा की कृपा कहो के ऐसा समय आ रहा है कि जब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये तो परमात्मा की ही कृपा है। परंतु आज दुनिया के राष्ट्र में उस सीट पर कौन बैठा है, स्वार्थ में अंधा, अहंकार में अंधा, महत्वाकांक्षाओं में अंधा, सारे विश्व पर मुझे राज्य करना, विश्व पर, अपने देश पर तो छोड़ो लेकिन विश्व मेरे कंट्रोल में हो। कोरोना आया तो क्यों आया विश्व के अंदर, भावना तो यही थी कि आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाए तो विश्व का राज्य हमारे हाथ में आ जाए। कितनी महत्वाकांक्षा, 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने वर्तमान समय को देखा कैसे धृतराष्ट्र पैदा होंगे विश्व के अंदर, जो सारे दुनिया के ऊपर अपना अधिकार चाहेंगे। वर्तमान समय की बात है, उसका समाधान भी भगवत गीता है। और वैश्विक स्थिति, क्या संसार एक ऐसे विशेष संकट में स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान को भी इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना पड़ता है। मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकाल कर उसे योग युक्त बनाते हैं, तो सारे विश्व का हाल क्या है। इसलिए कहा, एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक हर समस्या का समाधान भगवद्गीता में दिया हुआ है।
वर्तमान समय की ही ये बात है। बहुत सुंदर तरीके से महाभारत के अंदर दर्शाया महर्षि वेद व्यास जी के मन की कल्पना का विस्तार देखते हैं। और आगे कुरु शब्द का अर्थ है करो व करना। उसमें पांडव और कौरव, पांडव अर्थात जो भगवान से प्रीत करने वाले, प्रीत बुद्धि, पवित्र कर्म करने वाले, और कौरव माना भगवान से विपरीत, विपरीत बुद्धि या पवित्र धर्म के कर्म, पाप कर्म करने वाले, वो कौरव की संख्या में आते। इसलिए 5 पांडव और 100 कौरव, परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है। कितना एक्यूरेट उसने ये कथा लिखी, तो सोच समझ करके वर्तमान समय को अगर देखा जाए कि सारे विश्व को अगर 100% लिया जाए तो आज की दुनिया के अंदर पांडवी वृत्ति वाले, भगवान से प्रीत करने वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 5%। बाकी सब विपरीत बुद्धि वाले, अधर्म, पाप कर्म करने वाले 5% लोग हैं जो पवित्र कर्म करने वाले हैं। कितना सुंदर महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि भगवान सोए हुए थे और पांडव में से अर्जुन और कौरव में से दुर्योधन दोनों भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। जब भगवान को सोया हुआ देखते हैं तो दुर्योधन सिरहाने बैठता है और अर्जुन पैरों के पास खड़ा हो जाता है। दृश्य सामने देखो, कितना सुंदर वर्णन किया हुआ है। दुर्योधन ने सोचा आंख खोलेंगे तो सबसे पहले मुझे देखेंगे, लेकिन ये समझ नहीं थी कि आंख खुलेगा तो सामने वाला ही तो पहले दिखाई देगा। और इसीलिए जैसे ही आंख खोली तो अर्जुन को देखते हुए भगवान ने कहा, रे अर्जुन तुम कब आया? तो तुरंत दुर्योधन क्या कहता है, अरे मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। आज की दुनिया में भी जो कौरवी वृत्ति वाले बच्चे हैं वो हमेशा घर परिवार के अंदर भी अपनी दादागिरी चलाते हैं। सामने वाले को बोलने नहीं देते, यही हो रहा है प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर। तो भगवान ने कहा ठीक है तू मांग ले पहले। माँ बाप भी यही करते हैं बच्चों को, जो दादागिरी का, अच्छा तू मांग ले, चल क्या चाहिए। तो भगवान ने उस समय कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए बोलो। और एक वाक्य वहां जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। अब दुर्योधन को शकुनी ने सिखा सिखा कर भेजा था, तुम उसी को मांग लेना और कुछ नहीं मांगना, वो कितने भी चालाकी करे तो भी तुम उसी को मांगना और कोई बात में जाना नहीं। लेकिन जब भगवान ने कह दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सारथी बन करके रथ चलाऊंगा, और दूसरी तरफ अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए बोलो। तो दुर्योधन ने सोचा जब युद्ध करने वाले ही नहीं है तो मैं क्यों मांगू उसको, अक्षौणी की सेना ना ले लो। और इसलिए उसने अक्षौणी की स्वयं सेना ले ली। और अर्जुन ने कहा भगवान आप है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान की शक्ति और क्षमता को जानता था
कि भगवान अगर युद्ध न भी करे, सिर्फ सारथी बने, तो भी वो गाइडेंस ऐसा दे सकते हैं जो विजयी बना सकते हैं। उसको भगवान की शक्ति और क्षमता का एहसास था। ठीक इसी तरह आज मनुष्य के हाथ में जो मोबाइल है, वो मोबाइल शकुनी हर बात का जवाब देता है ना। पूछो गूगल, गूगल इसका क्या होगा, तो तुरंत गूगल जवाब देने शुरू कर देता है। करता है कि नहीं करता है? और सही जवाब देता है। लेकिन फिर भी जब मनुष्य स्वार्थ बुद्धि वाला होता है, छोटी बुद्धि वाला होता है, गूगल राइट जवाब भी अगर दे तो भी सोचता है नहीं नहीं ऐसा करना, और फिर बाद में पश्चाताप करता है कि मेरे गूगल ने तो सही जवाब दिया था लेकिन मैंने सुना नहीं। तो शकुनी ने उसको सिखा कर भेजा था, तो उसी को मांग लेना और कुछ नहीं मांगना। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने अपना दिमाग चलाया तो अक्षौणी की सेना मांग, क्योंकि भगवान की शक्ति को अनुभव करना सिरहाने बैठने वाला नहीं कर सकता है। दुर्योधन को सिरहाने बिठाए, देखो कितना सुंदर ये दृश्य है। सिरहाने बैठना ये अहंकार का प्रतीक है, और अर्जुन पैरों के पास खड़ा रहा माना नम्रता का प्रतीक है। कि भगवान का साथ अगर कलयुग में अनुभव करना हो तो जीवन में विनम्रता विनय बहुत आवश्यक। अगर अपने अहंकार के अंदर रहेंगे तो भगवान के साथ का कभी अनुभव नहीं कर सकेंगे, और हर परिस्थिति में हार निश्चित है ही है। जहां भगवान का साथ है, पांडवी बुद्धि है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती लिखा हुआ है। तो भगवान का साथ अनुभव करना है तो जीवन के अंदर विनम्रता बहुत आवश्यक है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का पहला सॉल्यूशन जीवन जीने के लिए जो विधि बताई उसने, कि कलयुग में अगर जीना है तो पहला चॉइस कि हमें पांडव के तरफ जाना है या कौरव तरफ जाना है, किस सेना के तरफ जाना है। पांडव धर्म का प्रतीक है, कौरव अधर्म का प्रतीक है, तो कौन सा चॉइस हमारा है ये हमें देखना है, हम किस तरफ जा रहे हैं। और अगर पांडवी वृत्ति है तो विनम्रता बहुत आवश्यक है। तो भगवान की मदद का अनुभव हर कदम करते रहे जीवन के अंदर। कितनी सुंदर बात यहाँ महर्षि वेद व्यास जी आज के मनुष्य को समझाना चाहते हैं कि जीवन जीने का पहला असूल क्या है, विनम्रता। पांडव अर्थात प्रीत रखना, भगवान के साथ प्रीत बुद्धि होकर के चलना, पवित्र कर्म करना, और उसके लिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। उसके बाद पांच पांडव और 100 कौरव जो दर्शाए गए, तो पांच पांडव में सबसे पहला नंबर 5% लोग जो पांडवी वृत्ति वाले हैं, वो पांच पांडव कौन है? तो उसमें दिखाया कि सबसे पहला है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर माना युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहा जाए। आज की दुनिया के अंदर जहां लोगों के लिए कहा जाता है विम्सिकल माइंड है, बहुत नेगेटिव बुद्धि वाला है, सिजोफ्रेनिक बुद्धि है, वेवरिंग माइंड है, स्थिरता ही नहीं है, ऐसी दुनिया में स्थिर बुद्धि वाले कितने टक्का लोग होंगे, कितने परसेंटेज लोग होंगे?
only one person. दूसरा नंबर है भीम, स्ट्रॉन्ग विल पावर. आज विल पावर तो छोड़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति का खत्म हो रहा है, आत्मविश्वास ही खत्म हो रहा है. लेकिन हाँ, एक छोटा बच्चा एग्जाम लिखने जाता है, पूरी तैयारी के साथ जाता है, एग्जाम पेपर आता है, ब्लैंक हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, आत्मविश्वास खत्म. विल पावर तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन फिर भी ये दुनिया में विल पावर वाले लोग हैं. कितना परसेंटेज? Only 1%. तीसरा नंबर है अर्जुन. अर्जुन माना जो अर्जन करने वाला, ग्रहण करने वाला, अर्जित करने वाला भाव जिसके अंदर है, उसको कहा अर्जुन. आज की दुनिया में चारों ओर नेगेटिविटी को ग्रहण करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली वन परसेंट. चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला. आज की दुनिया में जहां ना उठने का नियम है, ना सोने का नियम है, ना खाने का नियम है, ना पीने का नियम है, कोई नियम ही नहीं रहा. लेकिन ऐसी दुनिया में भी फिर भी 1% लोग नियमों पर चलते हैं, जीवन को डिसिप्लिन में चला रहे हैं, 1%. और पांचवा नंबर है सहदेव. सहदेव माना हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाला. आज की दुनिया में अच्छे कार्य में सहयोग देने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन सहयोग देने के बाद एक भावना रहती है. क्या भावना रहती है? मेरी नेम प्लेट यहाँ जरूर लगाना, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना दिया है, इतना सहयोग किया है. बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज? Only 1%. ये थे पांच पांडव. आप सभी कौन हो? पांडव हो. कौन सा पांडव हो? जो समझते हम युधिष्ठिर है, स्थिर बुद्धि वाले, स्टेबल माइंड. अच्छा, तो चार ही है, थोड़े. जो समझते हम भीम है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, इस पार या उस पार, बीच वाले नहीं, थोड़े. जो समझते हम अर्जुन है, पॉजिटिव बातों को ग्रहण करना जानते हैं, अच्छा इसमें ज्यादा. जो समझते हम नकुल है, नियमों पर जीवन जीने वाले, डिसिप्लिन में जीवन जीने वाले, अच्छा ये भी है. और जो समझते हम सहदेव है, अपना सहयोग देना जानते हैं बिना अपेक्षा के, अच्छा इसमें भी ज्यादा. लेकिन यहां मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए. जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो कौन है? कौन है? कौरों को यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि गीता ज्ञान पांडवों के लिए ही होता है, तो कौरों को यहाँ हो नहीं सकते. लेकिन कौन सा पांडव है वो शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. तो इस मंच से जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए यहाँ बैठा है. तो ऐसे अर्जुन बनने का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक. कौरवों को कहा भी होगा ना हमने, चलो गीता ज्ञान सुनने के लिए, तो कहेंगे आज नहीं, बाद में आ जाएंगे. और बाद में उसको टाइम मिलना ही नहीं है ना?
तो इसीलिए कहा कि कौरव तो यहाँ आ नहीं सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हर कोई पांडव है, कोई ना कोई पांच में से तो पांडव है ही है, ये निश्चित है, क्योंकि भगवान से प्रीत है तभी तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। और दूसरी ओर कौरव, तो कौरव अर्थात धर्म पक्ष के वाचक, धृतराष्ट्र अर्थात राज सत्ता बाहुबल भूमि के अभिमान में जो अंधा था, महत्वाकांक्षाओं में अंधा था, पुत्र मोह में अंधा था, स्वार्थ में अंधा था, और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी। मैं जब ये गीता का और महाभारत का अध्ययन कर रही थी तो ये बात जब मैंने पढ़ी कि भाई गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, तो मेरे मन में एक विचार आया कि मान लो कि किसी का पति किसी कारणवश नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लिया, लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज अगर कोई पति गलत काम करता है पत्नी देखते हुए समझते हुए भी उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है, उस वक्त खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, नेत्रहीन हो जाती है, तो है ना ऐसी गांधारी आज के संसार के अंदर जो पति को रोकने का प्रयास नहीं करेंगी, डर हो या जो भी हो, लेकिन उस समय खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती जैसे उसको दिखाई नहीं दिया। और मान लो कि दूसरा कोई आता है और कहता है भाई आप तो अपने पति को समझाओ, हमारे साथ इतना अन्याय न करे, जानने के बाद भी क्या करती है, क्या कहती है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है कोशिश करेंगे देखेंगे, ये है गांधारी आज की, है ना ऐसी गांधारी बहुत देखी होगी आपने, है कि नहीं है, है? और फिर सौ कौरव दुर्योधन दुशासन दुशल दुर्मुख दुर्बुद्धि दुर्विमोचन, अधिकतर नाम जो है ना दू से आरंभ हो रहे हैं। इंटरनेट पर जब मैं देख रही थी कि सौ कौरों के नामों की लिस्ट क्या है तो उसमें देखा कि अधिकतर नाम जो थे दू से आरंभ हो रहे थे। दू माना दुष्टता, जो दूसरों के साथ दुष्टता करते हैं, जो दूसरों को दुख देना जानते, तो तब मेरे मन में विचार आया कि आज कलयुग में भी माँ बाप अपने बच्चों के इतने सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, इतने सुंदर अर्थपूर्ण नाम रखते हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के नाम दूसरे नहीं रखता है, रखता है कोई दूसरे। मेरे मन में दो ही नाम आए, एक है दुर्गा दूसरा है दुष्यंत, जो दुष्टता का अंत करने वाला है, या दुर्गा जो दुर्गुणों को समाप्त करने वाली है, वो दूसरा कोई दूसरे नाम नहीं रखता है। तो ये गांधारी और धृतराष्ट्र कैसे माँ बाप थे, उनको अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा नाम ही नहीं मिला। लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय जो देखा था, भले उस नाम वाले व्यक्ति नहीं होंगे लेकिन कैरेक्टर वाइज ऐसे व्यक्ति आपको जरूर मिले। दुर्योधन भी है, दुशासन दुशासन करने वाले लोग है या नहीं है, है बहुत है। एक एक इंद्रिया दुष्टता को लिए हुए हैं, दुर्बुद्धि जिस
दुर्दशा भरी है। दुर्विमोचन जिसकी दृष्टि खराब है, दुष्कर्ण जो बुरी बातें सुनने के शौकीन है, दुर्मुख जो बुरी बातें बोलने के शौकीन है, आज ऐसे लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ? उस नाम से नहीं है, लेकिन कैरेक्टर तो ऐसा है, चरित्र तो ऐसा है। तो कितना स्पष्ट 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखना। और लास्ट में एक बहन, वो भी दुशिला, शील माना चरित्र, जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था, उसको कहा दुशिला। एक बार एक कार्यक्रम में जब मैं ये बात सुना रही थी, तो कार्यक्रम के बाद एक बहन आकर मुझे कहने लगी, बहुत सही कहा आज आपने। मैंने कहा कौन सी बात? तो कहा आज समाज में बहुत दुशिला है। मैंने कहा कहाँ है? हमें पता चले कहाँ है। तो उसने मुझे सुनाया कि बहन जी, आप लोग तो टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन आज टीवी के ऊपर जितनी भी सीरियल आती है ना, हर सीरियल के अंदर जो घर तोड़ने वाला काम करती है ना, वो कोई ना कोई दुशिला ही होती है। तो प्रैक्टिकल समाज में ऐसी दुशिलाएं होंगी, तभी तो सीरियल बनाने वाले ऐसी सीरियल बनाते हैं। तो है आज ऐसी दुशिलाएं हैं, आप लोग तो देखते हैं तो पता चलता होगा कि ऐसी दुशिलाएं भी बहुत है संसार के अंदर। तो पांडव भी है, कौरव भी है। तो भगवान को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो कितना स्पष्ट महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है कि ऐसे समय पर ही भगवान आते हैं, जब ये पांडव भी है, कौरव भी है, कैरेक्टर वाइज ऐसे लोग हैं, तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। और इसीलिए लिखा है कि गीता का जन्म कहाँ हुआ? तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है, युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल में संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। कुछ समय पहले मेरा कुरुक्षेत्र जाना हुआ था, गीता जयंती पर कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम के बाद मुझे वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने कहा कि आपने यहाँ के ऐतिहासिक स्थल देखे हैं? हमने कहा नहीं देखे हैं। तो कहा चलो आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ के ऐतिहासिक स्थल। तो सबसे पहले वो मुझे लेके गए ज्योति सर। ज्योति सर वो स्थान है जहाँ कहते युद्ध हुआ था और जहाँ पर गीता उपदेश दिया गया था, वो स्थान है। तो रास्ते में जाते जाते मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने पूछा क्या था? तो मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र जो है बहुत छोटा सा एक कस्बा था, बहुत छोटा सा, जहाँ एक शिवजी का मंदिर था और उस शिवजी के मंदिर का नाम था स्थानेश्वर, और उस मंदिर के नाम से उस गांव को जाना जाता था। तो उस गांव का नाम स्थानेश्वर था। तो मैंने पूछा फिर कुरुक्षेत्र नाम कब आया? तो मुझे बताया गया कि 1947 में एक कलेक्टर यहां आए थे, उन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहां घटी है और उस स्थान का कोई नामो निशान नहीं है। तो उस समय उसने स्थानेश्वर नाम को चेंज करके कुरुक्षेत्र नाम डाला और उसको डेवलप करना शुरू किया और आज उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आए। मैंने इंटरनेट
में जाकर के उसका सर्च किया कि ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, तो मुझे पता चला सही है। बहुत आश्चर्य लगा मुझे कि 1947 के पहले भारत के नक्शे पर कुरुक्षेत्र नाम का कोई स्थान ही नहीं था। 1947 के बाद कुरुक्षेत्र का अस्तित्व आता है, जहां भगवान आए और इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी। वहां जाने के बाद मैंने देखा मैदान तो बहुत छोटा लगा, तो मैंने कहा इतने मैदान में अक्षौणी की सेना कैसे खड़ी रही। तो मुझे बताया गया कि नहीं, 84 कोस में ये युद्ध हुआ था, इतनी बड़ी जगह थी। लेकिन ये है गीता उपदेश स्थल, एक महा वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर तख्ती लगी है कि दोनों सेनाओं के बीच में जब भगवान को कहा गया कि अर्जुन ने कहा मेरा रथ ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ, और फिर अर्जुन एकदम निराशा में डूब गया, उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान को कहा मुझे ये युद्ध नहीं करना है, तब यहाँ पर उसको गीता उपदेश सुनाया गया। तो मैंने पूछा कि 700 श्लोक 18 अध्याय सुनाने में भगवान को कितना टाइम लगा, तो मुझे बताया गया कि उसमें कई ओपिनियंस है, कई मतभेद है। कोई कहते 45 मिनट लगा, तो कोई कहता है 3.5 घंटे लगे। मैंने कहा चलो 3.5 घंटा, अगर 18 अध्याय और 700 श्लोक बोलने में 3.5 घंटा, 45 मिनट तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन मान लो कि 3.5 घंटा लगा हो भगवान को ये गीता उपदेश देने में। तो जब भगवान गीता ज्ञान दे रहे थे तो उस वक्त दुर्योधन क्या कर रहा था, जो युद्ध के लिए इतना उतावला हो, क्या उसमें 3.5 घंटे का धैर्य था? हो सकता है। तो जब मैंने ये सवाल पूछा तो वो मेरा चेहरा देखते रहे और कहा इसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है कि भाई उसने क्या किया। तो दूसरे किसी ने कहा अरे नहीं, उस समय टाइम को फ्रीज कर दिया। मैंने कहा फ्रीज कहाँ किया, पहले अध्याय में दिखा है कि भाई दुर्योधन जा रहा है और सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमें भीष्म पितामह को बचाना होता है। और अगर युद्ध के मैदान में जाते तो यंगस्टर जाते हैं, बुजुर्ग वहां जाकर क्या करेंगे, और वो भी सेनापति बुजुर्ग, और फिर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे कि सबको मिलकर के भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट करना है। भाई उसको युद्ध के मैदान में खड़ा ही क्यों किया। खैर अनेक सवाल मेरे मन में उभरने लगे उस वक्त। फिर मेरे मन में आया कि भाई आज रास्ते पर मान लो कि कोई दो व्यक्ति लड़ाई के मूड में हो और एकदम लड़ाई में एक दूसरे के सामने तन जाए, और उस समय आप देखो कि एक सज्जन है और उसको जाकर आप कहो कि मैं तुझे गीता का ज्ञान देता हूं, तो सामने वाला क्या करेगा? वो शायद पहले थप्पड़ मुझे ही मारेगा। गीता ज्ञान देना है तो घर में देना, ये स्थान नहीं है, ये युद्ध का मैदान। भगवान 3.5 घंटे तक गीता ज्ञान देते रहे और दुर्योधन धैर्यता से देखता रहा कि ऐसा हो सकता है, या वहां जाकर उसको भगवान को कहना चाहिए व्हाट आर यू डूइंग, गीता ज्ञान देना है तो घर में देना, ये कोई स्थान है, ये तो युद्ध का मैदान है। और क्या युद्ध के मैदान में इतनी एकाग्रता भी हो सकती है कि गीता ज्ञान का उपदेश सुने? सुन भी नहीं पाएगा इंसान, क्योंकि उस समय उसके मन के अंदर कितनी सारी बातें चल रही होती। तो इसलिए फिर विचार आया मन के अंदर कि आखिर गीता ज्ञान की आवश्यकता किसको थी, अर्जुन को या दुर्योधन को, किसको थी? हाँ, आज
दुर्योधन को थी, तो भगवान ने दुर्योधन को ना देख करके अर्जुन को क्यों दिया? दुर्योधन को समझाना चाहिए ना। महाभारत के अंदर ये भी दिखाया कि भगवान सबसे पहले दुर्योधन के पास ही गए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन उस समय दुर्योधन ने क्या कहा? जैसे ही भगवान ने उसको समझाना चालू किया तो दुर्योधन ने कहा, देखो धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। अब बताओ क्या कहना है। कहा जाता है सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जागा हुआ है उसको क्या जगाएंगे? जब उसने स्पष्ट कह दिया कि धर्म क्या है मैं जानता हूं लेकिन मुझे चलना नहीं है, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं लेकिन उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, उसको क्या कहेंगे? आज की दुनिया में कौन इंसान है जो नहीं जानता है कि धर्म क्या कहता है, जो नहीं जानता है कि अधर्म किसको कहा जाता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर कितने चल पाते हैं, अधर्म को कितने छोड़ सकते हैं? प्रैक्टिकल है तो ऐसे दुर्योधन है या नहीं है जो जानते हुए भी छोड़ना नहीं चाहते अधर्म को, धर्म को जानते हुए उस पर चलना नहीं चाहते हैं? ऐसे दुर्योधन बहुत मिलेंगे। और फिर आया कि अक्षौणी की सेना, तो फिर मैंने इंटरनेट में जाकर देखा कि एक अक्षौणी में कितने सैनिक होते हैं, तो देखा गया कि 18 अक्षौणी सैनिक थे, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ थे। और अक्षौणी माना कि उस समय जो महाभारत के समय जो गिनती के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इकाई निश्चित की जाती थी, वो थी एक पत्ती, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े घुड़सवार, इतना एक पत्ती में। तो एक अक्षौणी में कितना होते हैं? तो एक अक्षौणी के अंदर लिखा गया था 21,870 रथ, 21,870 पत्ती, तो 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 109,350 पैदल सैनिक थे, और 3 घुड़सवार के हिसाब से 65,610 घुड़सवार, इतना एक अक्षौणी। तो 18 अक्षौणी में कितने थे? इसको अगर मल्टीप्लाई करें 18 से तो 393,660 रथ थे, 393,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार, इतने 18 अक्षौणी में। लेकिन अगर रथ पर एक रथ चलाने वाला और एक योद्धा दो हो, हाथी पर एक हाथी को चलाने वाला और एक योद्धा दो हो, तो इस फिगर को अगर डबल करें कि रथों पर 787,320 थे, हाथियों पर 787,320 थे, पैदल सैनिक 19,66,300 थे और घुड़सवार 11,80,980 थे, विच टोटली अमाउंट्स टू 47,23,920। इतने 18 अक्षौणी में मैदान पर थे। अब अगर इतने मैदान पर हो 84 कोस के, अब ये 47 लाख लोगों के परिवार वाले होंगे,
होंगे या नहीं होंगे। एक एक के परिवार में चार मेंबर भी गिनती कर लो, माता पिता पत्नी और वो जो युद्ध के मैदान में गया है, वो चार मेंबर भी अगर गिनती कर लो तो कितना हो गया। इस फिगर को मल्टीप्लाई करो बाई फोर। इतना ही नहीं, बच्चे भी हो, छह का अगर परिवार हो, एक एक बच्चे भी हो तो भी हम पांच का परिवार हो तो इसको मल्टीप्लाई करो पांच से तो भी कितने हुए। अच्छा वो भी छोड़ो। लेकिन कहा जाता था कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था, युद्ध विराम हो जाता और सब साथ में मिलकर भोजन करते थे और 18 दिन युद्ध चला, तो 18 दिन 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे, वो गिनती करो। और इतना अनाज का स्टोर, 18 दिन युद्ध चला या उससे ज्यादा भी चल सकता था, तो इतना अनाज पानी भोजन बनाने की सारी व्यवस्था। आज एक शादी का माहौल हो और 500 गेस्ट आने वाले हो और उसका अगर भोजन बनाना पड़े तो भी कितना होता है, कितना हंगामा हो जाता है एक दिन में। तो 18 दिन चला और सब साथ में मिलके भोजन करते थे। इतना ही नहीं, लेकिन युद्ध में जो लोग घायल होते थे, मरते थे, तो भाई दूसरे दिन युद्ध शुरू होने से पहले उन लाशों को उठाना पड़ेगा, उन घायलों का इलाज कराना पड़ेगा। तो घायलों को उठाने वाले, ले जाने वाले, उनको रखने वाले हॉस्पिटल होंगी जहां उनका इलाज होता होगा, वैद्य होंगे इतने सारे, और जो मृत हो गए उनका क्रियाकर्म करने वाले, उनको जलाने वाले, और फिर हर एक के पास लिमिटेड संसाधन होते थे, शस्त्र खत्म हो जाते, वो तो बीच में से भाग के नहीं जाएगा, तो युद्ध में शस्त्र पहुंचाने वाले, हाँ लाने वाले, देने वाले उनको, वो कितने लोग एक्स्ट्रा। और उस हिसाब से अगर वो हिसाब सारा गिनती करो तो कितना होगा, 140 करोड़ भारतवासी होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो 5000 साल पहले वर्तमान समय का पॉपुलेशन देखा था कि जहां हर कोई युद्ध कर रहा है, हर कोई युद्ध कर रहा है, हर कोई संघर्ष कर रहा है, तो वर्तमान समय की बात है। और इसलिए कहे 140 करोड़ भारतवासी की ये कहानी है, महाभारत की का, इसलिए उसको कुरुक्षेत्र की कहानी नहीं कहा महर्षि वेदव्यास जी ने, उसने कहा महाभारत की कथा। सारे भारत का पॉपुलेशन इतना है उस समय का जो उसने देखा था, खाली युद्ध करने वाले इतने दिखाए। तो आज हर फैमिली में जो व्यक्ति कमाता है उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है उसी का ही दिखाएगा, कितना संघर्ष करना पड़ता है तब जाकर के वो ले आता है परिवार को पालने के हिसाब से। तो इसलिए यह वर्तमान समय की कथा है। इसलिए कहा कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान तो भी वहां मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां दैवी शक्ति आसुरी शक्ति एक दूसरे के सामने तैनात है, और हमारी चेतना के भीतर ये युद्ध निरंतर चल रहा है। और उस समय के लिए जो समाधान चाहिए, वो समाधान भगवत गीता के रूप में दिया गया है। इसलिए गीता के अंदर 700 श्लोक 18 अध्याय में जो बटे हैं, पहला अध्याय मानव की समस्याओं को दर्शाता है, दूसरा अध्याय मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उनके समाधान दिए गए हैं,
तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में इन सब का सारांश दिया गया है, जो कल से हम सभी प्रथम अध्याय से आगे बात देखेंगे। तो अब तो ये स्पष्ट हो गया कि ये कोई और जमाने की बात नहीं है, जब पांडव कौरव थे और उनके बीच में युद्ध हुआ और भगवान आया, नहीं, ये वर्तमान समय की कथा है, ये जहाँ पांडव भी है, कौरव भी है और भगवान को भी आकर के गीता उपदेश देना पड़ता है। ठीक है,